शांतनु, हमने तो बहुत ट्रैवल किया है, तो आज आप क्या एग्जॉटिक रेसिपी बनाने वाले हैं? जब मैं यूके में था, हम काफी सारी कंट्रीज घूमते थे यूरोप में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप आर विद इन अ रीच ऑफ 1 आवर और 2 आवर्स एट द मैक्स बाय फ्लाइट. तो जब मैं इटली गया था, वी हैड अ स्टॉप ओवर एट मिलान, और मिलान इज नोन फॉर इट्स नाइस चीजी पास्ताज, रिच पास्ताज, और मेरे फ्रेंड ने ये ऑर्डर किया था, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट दूंगा इस पास्ता को. और जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है स्पेगेटी विद किंग ऑयस्टर मशरूम्स. बात हो रही है मशरूम्स की, देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ मशरूम्स, दे आर ऑलमोस्ट एंडलेस, यू कैन नॉट इवन काउंट देम. देयर इज ऑयस्टर मशरूम, देयर इज बटन मशरूम, देयर इज शिटाके, देयर इज इनोकी, देर इज शांतर लेस, देर इज बुलेटस, जस्ट एंडलेस. हमें बस पता है बटन मशरूम बिकॉज दे आर कॉमनली अवेलेबल, लेकिन देर इज एंडलेस नंबर ऑफ वराइटी ऑफ मशरूम, एंड ईच मशरूम हैज गॉट अ पेक्यूलर फ्लेवर. हर एक मशरूम में अपना एक स्वाद, अपना एक टेक्स्चर, अपनी एक वराइटी है. तो एज वी आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर, वी कैन यूज देम इन आर रेसिपीज. सो दिस इज ऑयस्टर मशरूम. लहसुन मैंने यहाँ पे लिया है. नाउ विल ऐड दिस मशरूम्स टू द गार्लिक मिक्सचर एंड विल जस्ट टॉस इट. आई ऐड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देता हूँ इसमें. सिंस वी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, व्हिच इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज, यू नो अ गुड थिंग फॉर हार्ट इज दिस गार्लिक दैट यू हैव एडेड. चलिए इसके साथ मशरूम यहाँ पे सौते हो रहे हैं. दूसरे पैन में मैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ. अब यही फर्क है जो मैं आपको कह रहा था कि जो ओरिजिनल रेसिपी है वो बनती है बटर से. सर इस रेसिपी में मैदा डलता है, पर आटे से भी बन सकती है. देखिए जैसे मैं बना रहा हूँ तो ऑयल है, ये होल व्हीट आटा यानी कि होल व्हीट फ्लार लिया थोड़ा सा, हमारा व्हाइट सॉस जो है वो लगभग तैयार. अब ये मशरूम देखिए, जब शुरुआत करी थी तो एकदम सफेद थे, अब मैं इसे सौते करते जा रहा हूँ तो ये कैसे ब्यूटीफुल गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग ऑन मोर फ्लेवर एंड कलर. व्हाइल दिस इज हैपनिंग, जब तक ये हो रहा है, ये मेरे पास फ्रेश थाइम है, ये भी एक तरीके का हर्ब है. अगर ये ना हो तो यू कैन ऑलवेज यूज बेसिल, यू कैन यूज टैरिगन, मिक्सड हर्ब्स, ड्राइड हर्ब्स, आप कुछ भी डाल ले. थाइम इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेस्ट, काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका. मशरूम पास्ता हम बना रहे हैं या हम कह रहे हैं इसे किंग ऑयस्टर स्पेगेटी, तो खूब सारा ऑयस्टर मशरूम्स या मशरूम्स होना चाहिए. ये नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए 4-5 पीसेस डालें, क्योंकि दिखने के साथ साथ इसका फ्लेवर अब जो इस सॉस में आएगा वो भी बहुत लाजवाब है. तो अब मशरूम इसमें डाल दिए, अब बारी आती है इसमें थोड़ा सा चॉप स्पिनच डालने की. Does overcooking the spinach take away this nice fresh green color? Bilkul, it takes away the color also and I guess the nutrition also. So, chali, the sauce is ready. Aur ye mere paas spaghetti bhi whole wheat hai. So, that's very good. So, your vitamins that spinach have are iron, they have vitamin C, boost the immunity levels. And then you have your whole wheat. So that it's whole wheat, so it has high fiber and B vitamins in it. लगभग तैयार, बहुत ज्यादा सॉसी नहीं, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं. रेडी नाउ सर्विंग इट. ये पहले हल्की सी खटास, थोड़ा सा साइडर विनेगर, एप्पल विनेगर से, आप रेगुलर विनेगर भी डाल सकते हैं, कुछ ना हो तो हल्का सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिए इसमें दूध डाला है बहुत ही कम, और वो भी जब लगभग आप पैन बंद कर रहे हो, वरना ये सॉस जो है फटने का डर रहता है, यानी कि स्प्लिट होने का डर रहता है. ये पास्ता अब तैयार. और स्पगेटी भी ऐसी चीज है कि जब आप प्रेजेंट करो
तो उसमें अच्छी सी हाइट आनी चाहिए. आई जस्ट रोल दिस पास्ता नाइसली. सेंटर ऑफ द प्लेट में हम इसे डालते जाएंगे और जस्ट टू गार्निश इट नाउ हैव अ लिटिल बिट ऑफ चेरी टोमेटोज, थोड़े से ऑलिव्स अगर आप डालना चाहे तो, ब्लैक एंड ग्रीन. ये थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड करके ऐसे. एंड आई हैव गॉट सम जूलियन कैप्सिकम, ये रेड कैप्सिकम है ये यहाँ पे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो बैल्समिक विनेगर है मेरे पास, बैल्समिक विनेगर अगेन इज अ वेरी एक्सोटिक विनेगर, एक मोडेना, इट कम्स फ्रॉम मोडेना रीजन ऑफ इटली. इट्स अ वेरी एक्सोटिक विनेगर, इसको हमने थिक किया है. आई एम जस्ट टेकिंग दिस बैल्समिक विनेगर एंड आई एम ड्रॉपिंग ओवर द पास्ता एंड दैट इज द एक्सोटिक पास्ता. गरम बनाए, गरम ही खाए और मजा उठाए. स्पेगेटी विद किंग ऑयस्टर मशरूम्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, दो बड़े चम्मच कटे हुए लहसुन, दो कप कटे हुए ऑयस्टर मशरूम्स और स्वाद अनुसार नमक डालकर उसे अच्छे से टॉस करें. अब सॉस बनाने के लिए एक दूसरे पैन में एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल, आधा कप आटा और एक चौथाई कप दूध डालकर उसे अच्छे से मिला लीजिए. अब इसमें एक छोटा चम्मच थाइम के पत्ते, सॉटे किए हुए मशरूम्स और एक कप कटा हुआ पालक डालकर अच्छे से पकने दें. अब इसमें एक कप उबली हुई होल व्हीट स्पेगेटी और एक छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर अच्छे से मिला लीजिए. एक पास्ता बोल में इसे निकालकर चेरी टमेटोज, ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स, हरा प्याज, कैप्सिकम जूलियंस और बैल्समिक विनेगर के साथ गार्निश करें. स्पेगेटी विद किंग ऑयस्टर मशरूम्स को गर्मा गर्म सर्व करें.